style. Style is the answer to everything. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तलहा ऑलराउंडर। मैं इस वक्त मौजूद हूं आयशा मंजिल मदनी मस्जिद के फेमस जूस वाले के पास। जी हां, मैं भी इन्हें देखकर यहां हैरान हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यहां पर कौन सा जूस और क्या चीज़ मिल रही है तो रहे मेरे साथ इस वीडियो में। सो व्यूवर्स, हम यहाँ पर मौजूद हैं आयशा मंजिल के इलाके में और यहाँ पर मिल रहा है गर्मियों का दुश्मन अंगूर का शरबत। जी हाँ, अंगूर का शरबत। आपने फालसे का शरबत और दी का शरबत तो सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है अंगूर का शरबत। तो ये अंगूर का शरबत क्यों मिल रहा है, किस स्टेट में मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, तो आए जानते हैं। सो व्यूवर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं हबीब बाबा जूस कॉर्नर के ऑनर के साथ अली भाई, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। आइन से जानते हैं इस जूस के बारे में और इस जूस की हिस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, पहले तो ये बताएं कि आप ये जो इतना फ्रेश जूस, जो आप अंगूर का जूस बेच रहे हो, इसको कितना टाइम हो गया? ये हमने इसको यूनिक किया 2-3 साल हो गए। वैसे हमें बनाते हुए वालिद साहब को तकरीबन 47-48 साल हो गए। 47-48 साल से हो गए हम इस फील्ड में आए। हमने इसको यूनिक किया। वैसे मुझे फील्ड में तकरीबन 17-18 साल हो गए। सही। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं, इसके अलावा जैसे अंगूर है, ये सीजन्स काम चलते का है? जो सीजन ही फल होगा उसका जूस मिलेगा आपको हमारे पास। अच्छा, तो ये मतलब फ्रेश जूस जो होता है वो आप कम पैसों में दे रहे हो? जी, आपके सामने बन रहा है, आप देखें, फ्रेश बन रहा है, फ्रेश गल रहा है, फ्रेश बिक रहा है, लोग पी रहे हैं, इनसे आप मालूम करें क्या है। हम भी अभी पियेंगे और हम पी के फिर आवाम को बताएंगे कि कैसा है, बताएंगे। बिल्कुल अली भाई, मुझे ये बताएं कि छोटा गिलास की प्राइस क्या है और बड़ी गिलास की प्राइस क्या है? जी, बड़े गिलास के 100 रुपये हैं, छोटे गिलास के 70 रुपीज़। बिल्कुल ठीक है, 70 रुपये में बिल्कुल सेहत बख्श और फ्रेश अंगूर का जूस यहाँ पर दस्तयाब है। मुझे ये बताएं, इसके अलावा मैंने सुना है कि आपका एक और काउंटर भी है। जी, वैसे लियाकताबाद लालू खेत डाखाने पे लगता है हमारा, ठीक है ना, आसिफ मिठाई वाले के यहाँ, नयाब मस्जिद के बिल्कुल सामने। बिल्कुल ठीक है। बाकी जुमेरात को शबे जुम्मा में मदनी मस्जिद के सामने, आयशा मंजिल मदनी मस्जिद, आयशा मंजिल मदनी मस्जिद पे एक स्टॉल लगा हुआ है। इसके अलावा एक और स्टॉल लगा हुआ लियाकताबाद में, लेकिन अभी वहाँ ऑन नहीं किया अंगूर का। मतलब हम शबे जुम्मा में से इख्तिता करते हैं, शबे जुम्मा से ऑन करते हैं, उसके बाद माल लगेगा तकरीबन अभी 10 दिन के बाद। ठीक है, और रेट वगैरह वहाँ पे यही होंगे? सेम होगा। ठीक है, तो व्यूअर्स सकते हैं बढ़ जाएं रेट, क्योंकि यहाँ मरकज है, अल्लाह वाले लोग आते हैं, इनके लिए रिलीव होता है थोड़ा सा, तबलीग वाले लोग हैं, सही, इनके लिए रिलीव होता है, वहाँ हो सकता है रेट थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है, ये रिलीफ अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में ही दिखाए इस रिलीफ का अजर, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसका ज़रूर अजर देगा। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर अंगूर का जो फ्रेश अंगूर का जूस है वो 70 रुपये और 100 रुपये गिलास की सूरत में यहाँ पर मिल रहा है, जो कि बहुत ही मुनासिब कीमत है। अंगूर आपको पता है एक महंगा आइटम होता है, बहुत महंगा जूस होता है। तो जो भी इस चीज़ को, इस टेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो यहाँ पर आए और आकर इस अंगूर के जूस को एक्सप्लोर करें, इंजॉय करें। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत आवाम का रश लगा हुआ है जो कि जूस पी रहे हैं। यहाँ पर एक और साथी हमारे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इस जूस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये पहली बार पिया है जूस आपने? पीते रहते हो? हम तो पीते रहे, जब भी आते हैं माशाल्लाह से ये पीते, बहुत अच्छा शरबत है इसका और बहुत बिकते हैं माशाल्लाह, रश होते हैं, आप खुद देख रहे हो इधर। बिल्कुल दिख रहा है। तो आपने ये जूस कब से पीना शुरू किया? बस जब से हम इधर आए शाबी जुम्मे के लिए हम पी लेते, बहुत अच्छा बनाते और उसका जायका भी अच्छा है और सफाई का ख्याल रखते, माशाल्लाह से अच्छा जूस बनाते हैं। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं उनको बोलोगे यहाँ के जूस पिए? जी, जो भी इधर आ रहे हैं ये आयशा मंजिल में मदनी मस्जिद में, जो लोग आना चाहते हैं, जो ये मिलते हैं इधर, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जायका इसका, एक दफ़ा पिएगा तो बार बार आएगा ना, वही वाला हिसाब है। बिल्कुल अच्छी चीज़ है, एक दफ़ा पियेंगे तो बार बार आएंगे, तो ज़रूर आयशा मंजिल है और इस जूस को पिए और इंजॉय करें। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारे साथ बायर मौजूद है जिन्होंने इस वक्त अभी जूस पिया है, इनसे मालूम करते हैं इस जूस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी हम लोग आए हैं कायदाबाद से यहाँ पर ये जूस पीने के लिए। बड़ा आए हो कायदाबाद से? हाँ, कायदाबाद से। हाँ माशाल्लाह, बड़ा वीआईपी जूस है,
और अच्छा जूस बनाया है माशाल्लाह। तो इन्होंने कितने का गिलास दिया? ये 100 रुपये का गिलास। चलिए, लेकिन ये अंगूर का शरबत है जो कि बड़ा टेस्टी लग रहा है, हम भी चेक करेंगे, बताएंगे आपको कैसा लग रहा है। तो ये मतलब हैवी तो नहीं हुआ पी के, कुछ भारी भारी सा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, मज़े का। हाँ, बड़ा मज़े का, मज़े का था। ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू यार। बिल्कुल अलग, बिल्कुल बिल्कुल अलग, एक अलग मुख्तलिफ का जायका आया इसका, मज़े का आया, बहुत मज़े का जायका है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अंगूर का भी शरबत पी लिया। तुमने बहुत सारी शरबत पिए लेकिन अंगूर का शरबत कभी नहीं पिया। आम का पिया है, क्या कहते हैं, चीकू का पिया है, बहुत सारे पिए हैं, लेकिन भाई अंगूर का साथ पहली बार लाइफ में पिया है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन इनका ये है कि जुमेरात वाले दिन ही आना होगा क्योंकि ये सिर्फ जुमेरात वाले दिन लगाते हैं। हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल। सो व्यूअर्स, बहुत जद्दोजहद के बाद हमने ये गिलास हासिल कर लिया है। मैंने इसके एक दो स्विप लिए हैं, लेकिन मैं आप यकीन जाने, ये इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है और इतना एनर्जेटिक है कि मैं आपको क्या बताऊँ। थकन वकन सब दूर, गर्मी सब दूर भगा दी। 100 रुपये इस गिलास की कीमत है और 100 रुपये मैं कहता हूँ कि सेहत से ज़्यादा नहीं है, जिसमें आपको फ्रेश अंगूर का जूस मिल रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सुजुकी वहाँ पे खड़ी हुई है, अंगूरों से भरी हुई है, ये अंगूर लटके हुए हैं, ये लोगों का रश लगा हुआ है। सारे हमारे मौलवी हजरात जो कि हर काम बहुत सोच समझ के करते हैं, वो जब ये जूस पी रहे हैं तो समझ जाएँगे इस जूस में कोई ख़ास बात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस जूस को ट्राई करेंगे, यहाँ आएँ, इस जूस को ट्राई करें और सेहत के लिए 100 रुपये खर्च करें, कोई बड़ी बात नहीं है। और छोटा गिलास भी है जो कि 70 रुपये का है, तो लिहाजा यहाँ आएँ और लाजमी जूस को पिएँ और इन्जॉय। जैसा कि आपने देखा, आज हम मौजूद थे आयशा मंजिल के इलाके मदनी मस्जिद के पास। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का रश लगा हुआ है, लोग अंगूर का बेहतरीन और फ्रेश और ज़बरदस्त सा शरबत जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। लाइन लगी हुई है, लोग अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं और जूस ख़रीद रहे हैं। लोगों का आना बनता जा रहा है क्योंकि इज्तिमा में आज अभी बयान ख़त्म हुआ है और ख़त्म होने के बाद जैसे जैसे लोग बाहर आ रहे हैं, इसी तरीके से लोग इस चीज़ को, इस जूस को पीने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ आएंगे, यहाँ आके इस जूस को पियेंगे। लेकिन ये जूस सिर्फ और सिर्फ जुमरात वाले दिन मिलता है, सिर्फ जुमरात वाले दिन ये जूस यहाँ पर होता है। तो लिहाजा जो भी आए, जुमरात वाले दिन आए, ज़रूर आए। रश इतना बढ़ता जा रहा है कि हम जो काउंटर है उससे बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो जुमरात वाले दिन लाजमी यहाँ आएँ। मेन मदनी मस्जिद के गेट के साथ ये स्टॉल लगा हुआ है और आप यहाँ पर आएँ, यहाँ आके इस जूस को एंजॉय करें। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर वीडियो की तरह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल तलहा ऑलराउंडर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी हिट कर दें। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।